नमस्कार, कांठल की आवाज न्यूज में आज हमारे साथ खास मेहमान के रूप में मौजूद हैं बच्चों के स्पेशलिस्ट, प्रतापगढ़ की जनता में भगवान का दूसरा रूप माने जाने वाले डॉक्टर धीरज सेन। हम इनसे साक्षात्कार के पूर्व में आपको बताना चाहूँगा कि आप चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं और प्रतापगढ़ जिले भर में जहाँ पर भी बच्चों के इलाज का नाम आता है तो आपका ही नाम आता है। आपने लंबे समय से प्रतापगढ़ में सेवाएं दी है और प्रतापगढ़ के बच्चों के इलाज के मामले में आपकी प्रसिद्धि है। मैं सबसे पहले आपको कांठल की आवाज़ के इस डिजिटल मंच पर आपका स्वागत करता हूं और मैं आपका स्वागत के साथ ही एक सवाल मेरा है कि बदलते मौसम में जो लगातार बीमारियां बढ़ती जा रही है तो बच्चों को ऐसे समय पर क्या कुछ सावधानी रखनी चाहिए और बच्चों के इलाज में क्या सावधानी रखनी चाहिए और किस तरह की बीमारियां भी है और क्या कुछ बच्चों के मामले में हमें सावधानी रखना चाहिए, ये मैं बात कर जानना चाहूँगा डॉक्टर धीरज सेन। नमस्कार, कांठल की आवाज़ ने मुझे आज इस तरह का मौका दिया, इसके लिए कांठल की आवाज़ का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतापगढ़ में मेरा जो कार्यकाल है करीब करीब अगर हम माने तो 23 साल हो गए मुझे यहाँ पर है। मैं सन 1999 में प्रतापगढ़ आया था पहली बार और आज मुझे 23 साल हो गए। मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं अपने घर से बाहर हूँ। जहाँ तक बात रही बदलते हुए मौसम में बच्चों की बीमारी भी, इस तरह के मरीज हर साल आते हैं, लेकिन इस बार यदि हम अपना मीडिया को देखते हैं, न्यूज़पेपर को देखते हैं तो H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस, इसके अंदर की म्यूटेशन हुआ है, कुछ बदलाव हुआ है जिसकी वजह से जो लक्षण हैं बच्चों में और बड़ों में भी, उनमें एक तो तीव्रता में फ़र्क आया है, दूसरा जितना मरीज को आराम जितना जल्दी पहले मिल जाया करता था 3 से 4 दिन में मरीज ठीक हो जाता था, तीव्रता के अतिरिक्त इसके अंदर एक तो जो समय है वो ज़्यादा लग रहा है ठीक होने में। तो मेरे प्रतापगढ़ की जनता से एक ही निवेदन है कि इसके पीछे अपन पैनिक ना करें। देखिए, मोटा मोटा अगर हम माने तो कोविड भी वायरस था और ये भी वायरस है, ये फैलेगा और फैल रहा है। इससे बचने के लिए हमारे को जो कोविड के टाइम हम लोगों ने चीज़ें काम में दी थी, हाथ बार बार धोना, मुंह पे मास्क लगा कर रखना, भीड़ में ना जाना, खाने पीने का ध्यान रखना, ज़्यादा खट्टी और ठंडी चीज़ें नहीं खाना, इन चीज़ों को अगर हम ध्यान में रखते हैं तो जहाँ तक मेरा सोचना है कि हम इस बीमारी से बचाव तो नहीं कर सकते लेकिन काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। और बुखार की जहाँ तक बात है, अभी इस वक्त पिछला 1.5 महीना हमें देखते हुए हो गया मरीज, बुखार जो पहले 3 से 4 दिन में ठीक हो जाया करता था अभी 7 से 8 दिन 10 दिन भी ले रहा है। तो इसके लिए मेरा सभी से ये निवेदन रहेगा कि गला सभी के ख़राब है, कृपया करके सभी लोग नियमानुसार दिन में 2 से 3 बार गर्म पानी करके उसमें थोड़ा सा नमक डालें। जिनको ब्लड प्रेशर है वो ऐसा ना करें, सिंपल पानी से करें, अदरवाइज जो दूसरे मरीज हैं वो नमक डाल करके और अपना तुलना करें, खट्टी चीज़ें खाने से परहेज़ करें थोड़ा और ठंडी चीज़ें खाने से परहेज़ करें, स्पेशली बच्चे फ्रिज में पड़ा हुआ सॉस, फ्रिज में पड़ा हुआ दही, फ्रिज में पड़ा हुआ संतरा, फ्रिज को तो अभी जहाँ तक मेरा मानना है कि अभी गुड बाय ही करें। और इसके अतिरिक्त गुनगुना पानी जितना आप पी सकते उतना पीजिए, बार बार गुनगुना पानी पीने से एक फ़ायदा होगा कि हमारा जो गला जिसके थ्रू हमारे अंदर ये वायरस शरीर में उतरता है ये क्लीन रहेगा, ये साफ़ रहेगा, तो उसकी वजह से परेशानी कम होगी। और जो लोग अभी इस चीज़ को कर रहे हैं, गर्म गुनगुना पानी खूब पी रहे हैं, नमक के पानी से कुल्ला कर रहे हैं और कोविड जो अपने प्रिकॉशन है उनको काम में ले रहे हैं, उनको ज़्यादा परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। तो बच्चों को लेकर आपने काफ़ी कुछ सजेशन दिए हैं और प्रतापगढ़ जिले भर में जो फिलहाल बीमारियां फैल रही है उसको लेकर हमें डॉक्टर साहब ने सजेशन दिए हैं। अब एक सवाल और आपसे है कि किस तरह से आप अपने जीवन में सारी चीज़ों को मेंटेन करते हैं। एक डॉक्टर का जीवन भगवान का दूसरा रूप होता है, आपका एक पारिवारिक जीवन भी होता है, काफ़ी कुछ आप मेंटेन करके चलना पड़ता है। तो यदि किसी को डॉक्टर बनना है तो उसके लिए 2 शब्द और यदि एक डॉक्टर का पारिवारिक जीवन किस तरह से होता है थोड़ा सा इस बारे में बताएं। डॉक्टर का जीवन एक किस्सा मैं बताऊंगा आपको। मैं जब पीजी कर रहा था हमारे साथ में हमारे लेक्चरर थे, उनके बच्चे से किसी ने पूछा
कि डॉक्टर साहब कहाँ मिलेंगे, बोले वो कहाँ रहते हैं। उन्होंने बच्चे ने बड़ा अच्छा सा जवाब दिया कि रहते तो हॉस्पिटल में, कभी कभार घर पे आते। तो वास्तव में डॉक्टर का जीवन ऐसा ही है, लेकिन ये भी एक अच्छा चैलेंज है। हर किसी को ये मौका नहीं मिलता, लेकिन मिले तो इसमें पीछे नहीं रहना चाहिए, चूकना नहीं चाहिए। अब जहाँ तक बात रही डॉक्टर बनने के लिए क्या करना चाहिए, आजकल तो काफ़ी चेंजेस हो गए। हमारे टाइम पर PMT का एग्ज़ाम हो रहा था, नीट होने लगा है, काफ़ी कॉम्पिटिशन बढ़ गया है, बच्चों के नंबर भी बुखार के उसके तरह आते हैं, 99% 98%। हमारे ज़माने में तो 98 और 99 बुखार आया करता था। तो बच्चों से मेरा यही निवेदन है, अगर आप किसी ने अपना एक टारगेट बनाया इस लाइन के लिए, तो उस टारगेट को अपन मानते हुए उसके इर्द गिर्द चलते हुए हम अपने एफर्ट्स करें। आजकल नेट पे एंड यूट्यूब पे काफ़ी सारा मटेरियल है, कई सारी कोचिंग के इस तरह की साइट्स हैं जिनमें फ्री कोचिंग की जाती है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सभी को कोटा जाके पैसा खर्च करके ही कोचिंग लिए। अगर हम YouTube पे ढंग से सर्च करें तो कई ऐसे YouTube चैनल्स हैं जिनके ऊपर आपको चैप्टर वाइज हर सब्जेक्ट के लेसन मिलेंगे। इनको अपन लें, सब स्टडी करने की आदत डालें, और डॉक्टर बनने के लिए कम से कम कोशिश से चिपकना जरूरी है। अगर हम सोचें एक घंटा पढ़ के हम डॉक्टर बन जाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा मुमकिन है। उसके लिए आपको एटलीस्ट एक बार में 3 से 4 घंटे तो चिपकना पड़ेगा, नहीं तो फिर दिक्कत है। 23 वर्षों का आपका लंबी सेवाएं रही है प्रतापगढ़ जिले को, आपने यहाँ पर एज ए डॉक्टर सेवाएं दिए, एज ए परिवार के रूप में सेवाएं दिए। कांठल की आवाज के इस डिजिटल मंच पर आपका पधारने पर मैं हृदय की गहराइयों से आपका धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद कांठल की आवाज।